हे तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैं जो है आप लोगों को एक अक्षय कुमार सर का पोर्ट्रेट बना के दिखाया था। पिछले वीडियो में नहीं, कुछ दिनों पहले के वीडियो में उस फोटो को मैं जो है इस ब्लैक बॉल पेन से स्क्रिबल किया था, ठीक है। तो आज मैं जो है जॉनी डीप सर का एक पोर्ट्रेट बनाऊँगा और उसको मैं जो है इस ब्लू पेन से स्क्रिबल करूँगा, ठीक है। तो मैंने तो पहले सोचा कि इसको चलो शेडिंग ही करते हैं ग्राफाइट पेंसिल से, फिर सोचा कि नहीं, बाद वाला जो पोर्ट्रेट करेंगे इसके उसको मैं शेडिंग करूँगा ग्राफाइट पेंसिल की मदद से, और इसको मैं जो इस ब्लू बॉल पेन से स्क्रिबल करूँगा। तो मैं तो गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस ज़्यादा देरी ना करते, चलिए शुरू करते हैं। We'll be right back.
दोस्तों मेरी ड्राइंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग जो है वो सुबह को ही ख़त्म हो चुका था और आज बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मैं जो है आज ड्रॉ नहीं कर पाया और सूट भी नहीं किया था। तब आप जो है 4 बजे और आप थोड़ा मौसम सही है तो मैंने सोचा कि यार चलो लास्ट वाला बार सूट कर लेते हैं। तो यार जो रिज़ल्ट है वो ये रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को और मैं एंड में भी आप लोगों को दिखा दूँगा। तो जो रिज़ल्ट है मुझे थोड़े बहुत सही लगे, कुछ ज़्यादा बुरे भी नहीं है, उतने बुरे भी नहीं है। तो यार और जो लोग सोचते हो ना कि ड्राइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स की ज़रूरत होती होगी, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो ये जो पेपर यूज़ किया है ये जेरोक्स पेपर है नॉर्मली, जो 1 रुपये में 2 मिलता है, और ये जो पेन है ये 3 रुपये में मिल जाता है। ये जो ड्राइंग जो रिज़ल्ट है आप लोगों को दिख रहा होगा, उतने भी ख़राब नहीं है ये, इनमें देख लेना उतने भी ख़राब नहीं आए हैं, अभी तो लाइट्स में आके ये चमक रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा वीडियो, और अगर वीडियो गाइज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को, और मेरे चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो यार गाइज, सपोर्ट कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव।